वक्त और कुदरत को ये मंजूर नहीं था, बेवक्त और बेमौत हादसा की एक नई सैकड़ों वजह है। छोटी सी चूक, लापरवाही, नशा, रैश ड्राइविंग, इसके अलावा वाहनों में आने वाली तकनीकी खामियां भी हादसे की वजह में शामिल है। हाईवे पर ट्रकों के इधर उधर अनियंत्रित तरीके से पार्क किए जाने की वजह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। लेकिन उन गाड़ियों का क्या जो मौत की सड़कों पर बेतरतीब खड़ी रहती हैं, दिन रात, दिन दोपहर, हाईवे हो या राजमार्ग, भारी गाड़ियां घंटों घंटों सड़क किनारे लगी रहती हैं। ऐसी खड़ी गाड़ियों का अंदाजा ना होने पर दूसरी गाड़ियां इनको टक्कर मार देते हैं और खुद मौत के मुंह में समा जाते हैं। झारखंड का कोई भी हाईवे हो, ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। राजधानी रांची में ऐसे हादसे आए दिन हो रहे हैं। महज एक महीने की बात करें तो 40 लोगों की बेवक्त जान गई है, जिसमें पलामू के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई तो रांची में 4 दोस्तों ने इस हादसे में जान गंवा दी। वहीं सरायकेला में एक ही परिवार के 4 सदस्य की मौत हो गई। ये तमाम मौत खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारने से हुई। खाली ट्रक या बड़े वाहन का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इन टक्कर में कईयों की जान चली गई। राजधानी रांची से जुड़ने वाले ऐसे हाईवे आजकल मौत का सबब बन चुके हैं, जिसमें टाटा रांची हाईवे, रांची पटना हाईवे, रांची से पलामू, बोकारो के साथ साथ कोलकाता राजमार्ग का हाल कमोवेश ऐसे ही है, जहां दिन रात भारी वाहन सड़क किनारे खड़ी नजर आती हैं। न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला। हादसा होता है, पुलिस आती है, पंचनामा होता है और कार्रवाई का भरोसा मिलता है। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। बातें तमाम होती हैं, नियमों का हवाला दिया जाता है, लेकिन असल तस्वीर हादसों की शक्ल में सामने आती है। पिछले कुछ समय में देखा गया है, जो रिसर्च स्टडी आया है कि कुछ एक्सीडेंट इस कारण से हुआ कि हाईवे के सड़क किनारे ट्रक पार्क किया हुआ था और धुंध के कारण ड्राइवर को दिखा नहीं, तो वहाँ बाईपास लेन में तो प्रयास किया जाता है कि जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसको सुरक्षित स्थल पर खड़ा करवाएं, ताकि जो आम जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसमें कोई परेशानी ना हो। साथ ही जो लाइन होटल्स हैं उसको भी हिदायत दी गई है कि आप अपने जो आपके पास जो गाड़ी रुकती है बड़ी वाहन उसको इस तरह से खड़ी करवाएं ताकि अन्य लोगों को उससे कोई परेशानी ना हो। इस संदर्भ में प्रसंग धाराओं में केस भी किया जाता है और फाइन वसूली भी की जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि मतलब एक ऑपरेशन मोड से, क्योंकि अभी फॉग है, धुंध का समय है, तो पुलिस को लगातार इस पर अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि हम और भविष्य में एक्सीडेंट को रोक सकें। खुला हाईवे भारी वाहनों के लिए आरामगाह और फ्री पार्किंग जैसी है। आड़े टेढ़े माल से लदे सरिया या गार्डर खुली सड़क पर लहराती हुई गाड़ियां अक्सर हादसे की वजह बनती हैं। ऐसे बेवक्त बेमौत के जिम्मेदार कौन है? टोल टैक्स कंपनियां, NHAI, RTO या फिर जिला प्रशासन? कानूनी तौर पर देखा जाए तो इन हादसों के लिए टोल टैक्स कंपनियां, NHAI, RTO और जिला प्रशासन सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वसूली जा रही टोल टैक्स में पैसेंजर सेफ्टी भी जुड़ा है। हाईवे पर लगातार सड़क हादसे होने के बाद रांची के सीनियर SP ने हाईवे पेट्रोल को यह निर्देश दिया है कि वे सड़क पर अपने ट्रक को लगाकर वहां से जाने वाले ट्रक ड्राइवरों पर नकेल कसें और उनके ट्रक को जब्त करें। वैसे हाईवे के लिए नियम तो तमाम है। हाईवे में खड़ी वाहन के 10 मीटर पहले रेडियम वाला इंडिकेटर लगाना चाहिए। रेडियम नहीं है तो आग जलाने का इंतजाम हो। वाहन खराब होने की जानकारी टोल कर्मी, पुलिस या 100 नंबर पर दे। एक्सप्रेसवे या हाईवे पर वाहन रोकना पूरी तरह से प्रतिबंध है। NH पर 20 मिनट से ज्यादा वाहन रोकना गैर कानूनी है। हाईवे पर लगातार गश्त हो, सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाया जाए। हर 10 किमी पर एक क्रेन का इंतजाम होना चाहिए। खराब वाहन को उचित स्थान पर पहुंचाया जाए। हाईवे पर एक सर्विस लेन बनाने का नियम। इसके साथ ही ऐसे हादसों में 279-304B के तहत मुकदमा का प्रावधान है। हाईवे से जुड़ी इन नियमों का अगर पालन किया जाए तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है।
साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ऐसे नियम सिर्फ कागजों के बंडल और नोटिस बोर्ड पर लिखे नजर आते हैं। तो जब ब्रेकडाउन हो रही है तो वहाँ पे सर्विस लेन होना बहुत जरूरी है। तो हमने अगर पूरा पैन इंडिया देख लें, बहुत लिमिटेड जगहों पे सर्विस लेन की व्यवस्था की गई है, या अब जो स्मार्ट तरीके से रोड बना रहे हैं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो सड़कें हैं वहाँ पे बाईलेन हो, यानी जिसको हम लोग सर्विस लेन कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ऐसी गाड़ियों को वहाँ पे ले जाके खड़ा किया जा सके। NH पे जो गाड़ियाँ हैं सरकारी गैजेट के हिसाब से उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड में चल रही हैं, और सरकारी गैजेट की भी बात करते हैं जो स्पीड है उसके हिसाब से भी इंडियन रोड्स हैं, बनी हुई नहीं है। जब भी अपनी गाड़ी रोकें लोग, चाहे हमारी छोटी गाड़ी भी हो, हम लोग कोशिश होनी चाहिए कि हमारे पास ट्रैफिक कोन्स होने चाहिए, रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए, जो हम हमारी ब्रेकडाउन हुई गाड़ी है या किसी भी वजह से हम गाड़ी को रोकते हैं तो उसके आगे और पीछे करके हमको उसको लगा देना चाहिए ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको दिखे वो। मतलब इस फैक्टर को हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो बाइक हो, बाइक भी किसी खड़े ट्रक में जाके टकरा जा रहा है, या एक छोटी सी गाड़ी हो या एक बड़ी गाड़ी भी किसी न किसी गाड़ी में टकरा रही है, NH पे हो या आउटर रिंग रोड्स पे भी हो रही है। तो इन हादसों को जल्द से जल्द इस पे लगाम लगाना जरूरी है। हाईवे पर खड़ी ये गाड़ियां नहीं, ये मौत है जो मुंह बाए खड़ी हैं। ये ट्रक, हाईवा और भारी वाहन जिंदगियां लील रही हैं। आखिर इनका क्या करें, इनसे कैसे निपटे? कहना बस यही है, सावधान, आगे मौत खड़ी है, इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें। परिवहन विभाग और रांची पुलिस लगातार यह प्रयास कर रही है कि ट्रक ड्राइवर या फिर दूसरे चालक सड़क के किनारे अपने वाहनों को पार्क न करें ताकि जो हादसे सामने आ रहे हैं उस पर रोक लग सके। कैमरा पर्सन परमानंद सिंह के साथ प्रशांत कुमार, ETV भारत, रांची।